विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को झटका दे सकते हैं। सियासी जानकार इस बात का अंदाजा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने 25 सितंबर को हरियाणा में होने वाले इनेलो के कार्यक्रम में शामिल होने की बजाय पटना में पंडित दीनदयाल की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया है। इसके बारे में जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। जेडीयू का कहना है कि वो पुरखों का सम्मान करते हैं। जाहिर है पहले बीजेपी जेडीयू लंबे वक्त तक साथी रहे हैं, वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ की स्थापना करने वाले जो बाद में बीजेपी बनी। ऐसे में हरियाणा में उनका पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल चौटाला की जयंती में शामिल न होना सियासी जानकारों को कई संकेत दे रहा है।